फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप जानते हैं, तो इस त्यौहार में सब लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं, व्रत भी रहते हैं। तो मैं भी व्रत हूं और मैं सुबह नहावा के रेडी हो चुकी हूं, भगवान की थाली रेडी करने वाली हूं। मैं भी रेडी होकर मंदिर जाऊंगी। कौन सी मंदिर जाने वाली आपको दिखाऊंगी और वीडियो में, और मैं क्या फलाहार में बनाती हूं वो भी दिखाऊंगी। फलाहार की वीडियो यानी फलाहार की थाली की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर ली, आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो में बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं रेडी होकर आ चुकी हूँ और व्हाइट कलर के कपड़े पहन रखे हैं, सूट वगैरह। तो आप देख सकते हैं, तो ये है मेरी बेटी। आज ये लोग भी फास्ट रहने का सोच रहे हैं, तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि पूजा के सामान में मैंने क्या क्या लिया हुआ है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, इसमें धूप वगैरह रखी हुई है, कुमकुम है, चंदन है, जनेऊ है, कमलगट्टे हैं, फल फूल, गाजर, यहाँ गाजर भी लोग चढ़ाते हैं। इसमें है दही, दूध, गंगा जल, मिश्री, और इसमें देख सकते हैं बेर लिया हुआ है मैंने, बेलपत्र है, भांग है, धतूरे हैं। धतूरे तो यहाँ काफ़ी महंगे मिल रहे थे। तो ये सारी हो गई पूजा की तैयारी, आप जैसा कि देख सकते हैं। उसके बाद फिर मंदिर में हम पूजा कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम चलेंगे। ठीक है। फ्रेंड्स, मैंने घर में पूजा कर ली है, रेडी भी हो गई हूँ। अब जा रही हूँ मैं भगवान के मंदिर में पूजा करने के लिए। मंदिर चलेंगे और ये मेरी बेटी भी है, आप देख सकते हैं, ये भी मंदिर जाएंगी। बेटा और बेटी दोनों आज व्रत हैं, तो चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये पूजा की तैयार कर लिए हैं, चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, नीचे हम लोग आ चुके हैं, अब जा रहे हैं मंदिर की तरफ। और तरह आप जैसा कि देख सकते हैं, और ये है सामने का पार्क। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, अपने क्वार्टर से होते हुए हम लोग मंदिर की तरफ पहुंच रहे हैं और बेटी हमारा वीडियो बना रही है। तो आप देख सकते हैं, हम लोग मंदिर के लगभग करीब यानी पहुंच चुके हैं, और ये काफ़ी बड़ा सा ग्राउंड है जहाँ यहाँ प्रोग्राम होते रहते हैं, स्पोर्ट्स भी होते रहते हैं और रेगुलर बच्चे खेलने भी आते हैं। और उसी के अंदर ये मंदिर है, आप देख सकते हैं, छोटा सा गेट लगा हुआ है। ये देखिए, काफ़ी भीड़ है, काफ़ी देर होने के बावजूद भी काफ़ी भीड़ है। अब हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा सा मंदिर है और काफ़ी स्पेस है इस मंदिर में। फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं, और जो जितनी सारी भीड़ आपको दिख रही है, वहीं शंकर भगवान की मंदिर है यानी शिवलिंग है, और काफ़ी भीड़ होने की वजह से भगवान दिख भी नहीं रहे। तो हम लोग वेट कर रहे हैं, हम लोग की बारी कब आएगी। फाइनली हम लोग का नंबर आ गया पूजा करने के लिए। काफ़ी भीड़ होने की वजह से नंबर लगाते लगाते, नंबर आने के बाद हम लोग पूजा करने के लिए पहुंचे, मगर अच्छे से पूजा कर नहीं पा रहे थे। काफ़ी भीड़ होने की वजह से लोग धक्का मुक्की भी कर रहे थे, और बेटी भी थी तो उसको थाल पकड़ा रहे थे, तो पकड़ भी नहीं पा रही थी भारी होने की वजह से। तो आप देख सकते हैं कितना जल्दी जल्दी सब पूजा कर रहे थे, और धूप दीप तो दिखाने भी नहीं दे रहे थे, क्योंकि कुछ लोगों के बाल भी जल गए थे यहाँ पास। तो इस वजह से बोल रहे थे कि सब लोग धूप और अगरबत्ती बाहर जलाइए, सिर्फ यहाँ पूजा वगैरह कर लीजिए। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, ये देखिए, ये है मेरी मम्मा। प्रेयर करिए। ये बहुत ठीक है, चलो पूरा हमने बता दिया है। ठीक है, फाइनली पूजा हो गई है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं काफी भीड़ थी। मैं
जैसा कि आप देख सकते हैं भगवान की यहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ रखी और हम लोगों ने हर जगह पूजा कर ली है। 2-3 मिनट के लिए थोड़ी देर बैठ जाती है, उसके बाद घर के लिए चलेंगे। फ्रेंड्स, मंदिर में पूजा हो गई, काफ़ी भीड़ थी आप जैसा कि देख सकते हैं, और बेटी यहाँ झूला लगा हुआ था, झूला को इंजॉय कर रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ धूप भी हो गई और काफ़ी भीड़ थी। पूजा करते करते काफ़ी समय लग गया है, काफ़ी बड़ी मंदिर भी थी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। रास्ते से आ रहे थे तो नारियल का पानी बच्चों ने बोला पीऊँगा, तो आप जैसा कि देख रहे हैं बच्चे इंजॉय कर रहे हैं और मैंने भी पानी पी ही लिया जैसा कि आप देख सकते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। फ्रेंड्स, हम लोग पूजा करके आ चुके हैं, जैसे पानी जी घर हम लोग आ चुके हैं पूजा करके। ये बच्चे पूजा कर रहे हैं हम सारे, देखिए क्योंकि हमें लेटने का मन कर रहा है और ये थक गई है, इनकी कमर दर्द करने लगी। अब मैं पैर ढूंढने जाकर लेट हूं। तो फ्रेंड्स आगे मैं क्या बनाऊंगी आपको दिखाऊंगी, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। फ्रेंड्स चलिए बनाते हैं कुछ व्रत के लिए। तो मैंने ये सारी तैयारी करके रखी, नमक के चावल की खिचड़ी बनाएंगे, क्योंकि व्रत में तो मैं कुछ खाती नहीं हूँ, मतलब नमक की चीजें कुछ भी नहीं खाती। बच्चे व्रत हैं तो उनके लिए मैं बना रही हूँ नमक के चावल की खिचड़ी। तो चलिए कैसे बनाती है आप देखिए। फ्रेंड्स, नमक के चावल की खिचड़ी बन गई है, आलू फ्राई भी हो चुके हैं, मूंगफली, मतलब सारी चीजें, पूजा की जो व्रत थाली है वो रेडी हो चुकी है। मैं आइए आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। तो ये समझ लीजिए लंच का थाली हो चुकी है पूजा वाली, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया। अब ये नमक के चावल की खिचड़ी है, मैंने पतली बनाई हुई है, बच्चों के लिए खानी थी, चूंकि मैं नमक बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ तो इसलिए मैंने अपने लिए नहीं बनाया ये। आप खीर देख सकते हैं, ये मखाने की खीर है, सबसे इंस्टेंट बन जाती, काफ़ी हेल्दी। तो आपको कैसी लगी मेरी पूजा की थाली? इस भगवान को पहले भोग लगा देते हैं, उसके बाद फिर बच्चों को देते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए बच्चे खाना स्टार्ट भी कर दिए हैं, आप देख सकते हैं इनका पहला व्रत है। तो ये बच्चे लोग आलू मूंगफली वगैरह नहीं खाते तो निकाल दिया इन्होंने। आप जैसा कि देख सकते हैं, आपने देखा ना कितने फटाफट से ये लंच वाली थाली यानी व्रत वाली थाली रेडी हो चुकी है। मैंने भगवान को भी भोग लगा दिया है काफी अच्छी तरीके से और काफी जल्दी बन जाती है, और बच्चे भी खाने लगे, उसके बाद मैं भी खाऊंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं व्रत में बनाना कितना ईजी होता है और फटाफट से बन भी जाती है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हमारा यही तक था। आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स ये मेरे व्रत की थाली की रेसिपी मेरे चैनल में अपलोड है, आप जाके चेक कर सकते हो। पसंद है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ओके बाय, थैंक्स।